नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिक्षकों को शिशु देखभाल के लिए मिलेगा अवकाश। सीबीआई के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं भोला यादव। बिहार प्रशासनिक सेवा के 26 अधिकारियों का आईएएस में हुआ प्रमोशन। सीबीआई की छापेमारी पर नीतीश कुमार का बयान। लक्ष्मण को बनाया गया टीम इंडिया का अंतरिम कोच। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 2 सितंबर तक अमृतसर न्यू तिनसुकिया सहित 4 जोड़ी ट्रेनें रहेंगी रद्द। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पूर्व मध्य रेलवे ने अमृतसर न्यू तिनसुकिया एक्सप्रेस सहित 4 जोड़ी ट्रेनें 26 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक रद्द कर दिया है। दरअसल पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के रंगिया मंडल के न्यू बंगाई गांव व बिजनी स्टेशनों के बीच NI काम का होना है, यही वजह है कि इन 4 ट्रेनों का परिचालन बाधित रहेगा। हालांकि यह ट्रेनें अलग अलग तिथियों में रद्द रहेंगी। रद्द रहने वाली ट्रेनों में न्यू तिनसुकिया एक्सप्रेस, अमृतसर एक्सप्रेस, देवघर अगरतला एक्सप्रेस अप एंड डाउन, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस और नगर कामाख्या एक्सप्रेस शामिल हैं। शिक्षकों को शिशु देखभाल के लिए मिलेगा अवकाश। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर के सिंह की अध्यक्षता में 13वें सिंडिकेट की बैठक हुई। इस बैठक में मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश एवं शिशु देखभाल अवकाश पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। दरअसल पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में अब मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश एवं शिशु देखभाल अवकाश UGC एवं राज्य सरकार के वित्त विभाग के संकल्पों के अनुसार देय होगा। आपको बताते चले कि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर के सिंह की अध्यक्षता में 13वें सिंडिकेट की बैठक बीते दिन की गई, जिसमें उक्त निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में जो शुरुआत हुई है उसका संदेश पूरे देश में गया है। बीते दिन सदन में महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा को आड़े हाथ लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र में भाजपा शासन आने के बाद पूरा देश महंगाई, बेरोजगारी और सांप्रदायिक उन्माद का सामना कर रहा है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों को एकजुट होकर केंद्र की जन विरोधी और फांसीवादी सरकार का मुकाबला करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में जो शुरुआत हुई है उसका संदेश पूरे देश में गया है। सीबीआई के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं भोला यादव। बीते दिन केंद्र की जांच एजेंसी ने कथित लैंड फॉर जॉब स्कैम में बिहार समेत देश भर में राजद के कई ठिकानों पर छापेमारी की। मालूम हो कि इस मामले में इससे पहले लालू यादव के करीबी माने जाने वाले भोला यादव और एक रेलवे कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई। वहीं लालू यादव सहित राबड़ी देवी और मीसा भारती पर भी इस मामले में आरोप है। वहीं बीते दिन राजद के 6 नेता के आवास सहित 25 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि लालू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि भोला यादव के बारे में हमेशा से कहा जाता है कि लालू यादव के राजदारों में से एक रहे हैं। शराब की जांच में हाथ लगी 40 किलो चांदी। राज्यभर में शराबबंदी लागू होने के बावजूद भी लोग अवैध तरीके से इसका इस्तेमाल और व्यापार करते हैं। हालांकि आए दिन इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बिहार में शराबबंदी को लेकर सीतामढ़ी में पुलिस शराब तलाश रही थी। इस दौरान पुलिस को शराब तो नहीं मिली, लेकिन 40 किलोग्राम के करीब चांदी हाथ लगी है। पुलिस ने बताया कि LTF की टीम शराब को लेकर बीते दिन देर रात पुपड़ी सीतामढ़ी मुख्य पथ पर बछाड़पुर गाँव के पास वाहनों की जांच कर रही थी। जांच के दौरान ही एक स्कॉर्पियो में LTF ने 40 किलो चांदी बरामद की। इस मामले में वाहन के चालक सहित 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। BPSC पेपर लीक मामले में 6 और आरोपियों पर चार्जशीट दायर। BPSC 67वीं प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में अभी तक कुल 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और वहीं 6 और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। आपको बताते चले कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम अब तक इस कांड में 15 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी है और इस मामले में अनुसंधान के दौरान अब तक कुल 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजी जा चुकी है। मालूम हो कि बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा पेपर लीक हुआ था। इस मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई की टीम कर रही है। बिहार प्रशासनिक सेवा के 26 अधिकारियों का IAS में हुआ प्रमोशन। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर बिहार प्रशासनिक सेवा के 26 अधिकारियों की प्रोन्नति की है। इन 26 अफसरों का प्रमोशन IAS में किया गया है। आपको बताते चले कि इसमें 2018 की चयन के अनुसार 13 अधिकारियों और 2019 की चयन सूची के अनुसार 13 अधिकारियों को IAS में प्रमोशन किया गया है। बिहार राज्य सिविल सेवा से चयनित 26 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के संबंध में परामर्श करके नियुक्त किया गया है। विधवा व तलाकशुदा महिलाओं को यहाँ मिल रहा है नौकरी का सुनहरा
सुनहरा मौका। अग्निपथ स्कीम के तहत बहाली के लिए महिला अग्निवीरों का आवेदन जारी है। खास बात यह है कि वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए विधवा और तलाकशुदा महिला भी आवेदन कर सकती हैं, लेकिन शर्त यह है कि उनके बच्चे नहीं हो। इधर रक्षा कर्मियों की विधवाएं जिनके बच्चे हैं वे अग्निवीर के तहत नामांकन के लिए आवेदन कर सकती हैं। दरअसल बताया गया है कि रक्षा कर्मियों की विधवाएं पति की मृत्यु के बाद जब तक दूसरी शादी नहीं करे तब तक इसका लाभ उन्हें दिया जा सकेगा। मालूम हो कि बिहार झारखंड निदेशालय की बहाली पटना के दानापुर में होगी। आपको बताते चले कि आवेदन करने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। सीबीआई के छापेमारी पर नितेश कुमार का बयान। राजद के ठिकानों पर हो रही छापेमारी पर पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना बयान दिया है। दरअसल नीतीश कुमार आज मंडल आयोग के निर्माता स्वर्गीय बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की 104वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। वहीं बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि स्वर्गीय बीपी मंडल के लिए हम लोग हर दिन श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भाजपा की जुमाई नहीं, भ्रष्टाचारियों के लिए कसाई है जांच एजेंसियां। राजद के पूर्व विधायक भोला यादव की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई और भी एक्टिव हो गई है। बीते दिन राजद के 6 विधायक के आवास सहित इस पर बोलते हुए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सीबीआई को भाजपा का जुमाई बताया। वहीं अब तेजस्वी यादव के द्वारा 3 जांच एजेंसियों को जुमाई कहे जाने को लेकर भाजपा की तरफ से पलटवार किया गया है। भाजपा प्रवक्ता राम सागर सिंह ने कहा कि यह जांच एजेंसी भ्रष्टाचारियों के लिए कसाई है, जुमाई नहीं। यहाँ बनेगा विश्व स्तरीय मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स। बिहार में पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन विभाग लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहा है। इस बीच बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के आर्किटेक्ट ने बीते दिन नोड 1 नोड 2 कालचक्र मैदान सुपरमार्केट पुरानी ब्लॉक आदि स्थानों का सर्वे किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पर्यटन मंत्री कुमार सर्वजीत के आदेश अनुसार बोधगया में विश्व स्तरीय मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जिसके लिए जमीन का सर्वे किया जा रहा है। इस मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में हर तरह की सुविधा दी जाएगी, वह विश्व स्तरीय होगा। खंगाले जा रहे हैं आरजेडी नेता सुनील सिंह के बैंक लॉकर। लगातार दूसरे दिन भी सीबीआई की कार्रवाई बिहार में जारी रही। मालूम हो कि बीते दिन राजद नेता सुनील सिंह सहित राजद के 6 नेताओं के आवास सहित 25 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। इस बीच आज एमएलसी सुनील सिंह को लेकर सीबीआई की टीम एक बार फिर पहुंची है। एबीपी न्यूज के हवाले से यह खबर आई है कि सीबीआई ने आज वहां खंगाला है जहां सुनील सिंह का लॉकर है। पटना के एसके पुरी स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सुनील सिंह का लॉकर है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया में भी लॉकर है। माना जाता है कि आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की लालू परिवार से काफी नजदीकियां हैं। राबड़ी देवी के वो भोले भाई हैं। वहीं दूसरी ओर भोला यादव के मामले में भी कुछ बोलने से सुनील सिंह बच रहे हैं। नीतीश को बड़ा झटका, जदयू के विधायक भाजपा में हुए शामिल। बिहार में सियासी उलटफेर के बीच एक और जहां जदयू ने बिहार में भाजपा को झटका दिया है तो वहीं अब अरुणाचल प्रदेश में राजकीय पार्टी का मान्यता प्राप्त कर चुके जदयू को भाजपा ने झटका दिया है। दरअसल बिहार में जिस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में व्यस्त थे उसी दौरान अरुणाचल प्रदेश में भाजपा ने जदयू को झटका दिया। अरुणाचल प्रदेश में जदयू के एकमात्र विधायक तेकी कासो को तोड़ने में भाजपा सफल रही है। तेकी कासो ने नीतीश कुमार को छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। इस तरह जदयू को अरुणाचल प्रदेश में संगठन विस्तार करने के सपने को भाजपा ने बड़ा झटका दिया है। लक्ष्मण को बनाया गया टीम इंडिया का अंतरिम कोच। राहुल द्रविड़ के कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आने के एक दिन बाद ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने वीवीएस लक्ष्मण को आगामी एशिया कप में अंतरिम कोच नियुक्त कर दिया है। लक्ष्मण नेशनल क्रिकेट अकेडमी एनसीए के अध्यक्ष हैं, लेकिन अब वो द्रविड़ की जगह यूएई में भारतीय टीम के साथ मौजूद होंगे। यानी एशिया कप 2022 में वीवीएस लक्ष्मण टीम इंडिया के हेड कोच होंगे। मालूम हो कि बीते मंगलवार को राहुल द्रविड़ के कोरोना पॉजिटिव होने की बात सामने आई। हालांकि वो जिम्बाब्वे दौरे पर भी आराम पर ही थे। लक्ष्मण ही जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम के हेड कोच की भूमिका में थे। देश भर में आए 10,000 से अधिक कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी गुरुवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 10,725 नए मामले सामने आए। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में मामूली सी कमी आई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 133 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 48 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन पिछले 24 घंटे में कुल 96,550 कोरोना सैंपल की जांच की गई है, जहां 123 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौट
लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है इंद्रजीत कुमार, मदन कुमार, राजकुमार कुशवाहा, अजय सिंह, संतोष कुमार, रंजीत मिश्रा, मृत्युंजय कुमार, नन्नू कुमार, शंकर मुखिया, कविता कुमारी, सोनू कुमार और राम प्रवेश देव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि बिहार में भ्रष्ट लोगों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार को और भी क्या क्या ठोस कदम उठाने चाहिए। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।